जय श्री राम। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो मैं वर्ड रूट पे लेके आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड रूट है, बहुत ही अच्छे से आपको सारे वर्ड बहुत ही इजीली आपको इतने सारे वर्ड आप लर्न कर सकते हो एक वर्ड रूट से। ये आप वीडियो के लास्ट तक ही देख पाओगे कि कितने सारे आप वर्ड रूट कर पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए वर्ड रूट लेके आई हूँ, वो है फैक। मैं फैक ऑलरेडी फैक एंड फिक, एफ ए सी फैक एंड एफ आई सी फिक मैं करा चुकी हूँ, लेकिन उसमें कुछ उसमें हमने और वर्ड रूट जोड़ के कुछ और वर्ड बनाया हुआ था। आज की वर्ड रूट में जो फैक है एंड फिक है, इनसे हम और भी इनसे मतलब और भी वर्ड जोड़ेंगे, और भी वर्ड रूट इनमें मिलाएंगे, और इन इनमें और वर्ड रूट मिला के हम एक नए वर्ड का जो है निर्माण करेंगे, मतलब उसको बनाएंगे। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फैक, फैक मतलब होता है फैक एंड फिक एंड एफ वाई फाई, इन तीनों का जो मीनिंग होता है वो बनाना ही होता है, टू डू, या फिर आप कह सकते हो किसी चीज़ को टू डू करना, या फिर आप कह सकते हो मेक, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फैक तो आपके फैक एंड फिक वो वर्ड के स्टार्टिंग में लग के किसी वर्ड को बनाता है, और एफ वाई जो है वो लास्ट में मिलती है। वो देखना आप लास्ट तक वीडियो से बने रहिएगा, मैं बताऊँगी कि कैसे आप किसी चीज़ को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फैक को ही फैक पे ले लेते हैं। फैक, फैक में हमने एक वर्ड रूट और जोड़ दी जो कि है हमारी ओ आर वाई, ओरी। फैक प्लस ओरी, फैक प्लस ओरी आपका क्या बन गया? फैक्ट्री। फैक प्लस ओरी से बना फैक्ट्री। तो फैक आपका वही हो गया टू डू बनाना, और ओरी का जो मतलब होता है जगह, प्लेस, जिस पे कोई चीज़ बनाई जाती है। क्लियर? तो ओरी जिस पर कोई चीज़ बनाई जाती है, एंड फैक्ट बनाना, तो फैक्ट्री क्या हो गई? जिस पे कोई चीज़ बनाई जाती है। फैक्ट्री तो आपको सभी को पता होगा, फैक्ट्री में किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे मतलब जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, वो होती है आपकी फैक्ट्री। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, मैंने फैक ले लिया, ओरी वर्ड रूट, दो वर्ड रूट मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब आ जाते हैं, आपने सुना होगा मैन्युफैक्चर, सभी ने सुना होगा मैन्युफैक्चर। अब इसमें भी देखो, फैक, फैक ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब फैक के साथ हमने एक वर्ड रूट और जोड़ दी, वो क्या है? मेनू। मेनू, मेनू बनाए मैनस से, मेनू, मैनुफैक्चर। अब मैनुफैक्चर क्या हो गया? मैनू वो मैनू जो वर्ड रूट है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका हैंड, हैंड। और फैक वही है टू डू या फिर टू मेक, बनाना किसी चीज़ को, ठीक है। फैक वही, फैक वही आपका बनाना, और मैनू आपका होता है हैंड। तो हैंड के द्वारा जब कोई चीज़ बनाई जाती है वो आपका हो जाता है मैनुफैक्चर, ठीक है। टू मेक बाय हैंड, हैंड के द्वारा जब कोई चीज़ बनाई जाती है वो हो जाता है आपका मैनुफैक्चर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको तीन चार वर्ड रूट करा दिए, और देखना आपको कितनी आसानी से, क्योंकि मैंने देखो फैक से और भी वर्ड रूट लेके आई थी। अगर आप वीडियो देखते हो ना, तो रियली आप, मैं बिलीव आपको दिलाती हूँ कि आपकी जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट से जब आप अपनी वोकैबुलरी लर्न करोगे, बहुत ईजिली, बहुत ही अच्छे से आप बहुत सारे वर्ड लर्न कर पाओगे एक ही वर्ड रूट से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि एफ वाई लगा देने से क्या हो जाता है, कि एफ वाई लगाने का मतलब भी वही होता है कि टू डू या फिर मेक, किसी चीज़ को बनाना। लेकिन अब हम इसको लगाएंगे लास्ट में। इस एफ वाई लगाने से हम किसी भी वर्ड को वर्ब बना देते हैं। कैसे? हमने क्लियर, क्लियर आपने सभी ने सुना होगा, क्लियर मतलब होता है साफ। अब क्लियर में हमने लगा दिया क्लैरिफाई, हमने क्या बना दिया? क्लैरिफाई। अब क्लैरिफाई बन गई एक वर्ब। क्लियर होता है हमारा साफ करना, साफ, किस कोई चीज़ साफ होगी, क्लियर है, क्लियर है। और क्लैरिफाई क्या हो गया? साफ करना या स्पष्ट करना किसी चीज़ को, क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना, बन गई हमारी वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके और भी वर्ड हैं, क्लैरिफाई हो गया, एक होता है लिक्विफाई, है ना। लिक्वी, लिक्विड से बना है, लिक्विड होता है तरल, और फाई हमने लगा दिया लिक्विफाई। लिक्विफाई क्या हो गया? हमारा तरल बनाना किसी चीज़ को, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक होता है हमारा मैग्नीफाई, सुना होगा आपने मैग्नीफाई। मैग्नी भी हमारी एक वर्ड रूट है। देखो मैंने कितनी वर्ड रूट करा दी इसमें। मैग्नी का मीनिंग होता है लार्ज, मैग्नी मतलब लार्ज, किसी चीज़ को बड़ा करके, बड़ा कर देना, बड़ा बना देना, लार्ज कर देना। और फाई वही हो गया, वर्ब बन गई। तो मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लार्ज कर देना या बड़ा बना देना, या उसको कह सकते हो विशाल। जैसे आपने देखा होगा मैग्नीफिशियंट, सुना होगा ना, मैग्नीफिशियंट, क्लियर है बिल्कुल।
तो आपने बिल्कुल मैग्निफिशेंट प्ले पैलेस, मतलब बहुत ही शानदार महल है, शानदार मतलब कोई चीज़ बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत शानदार है, शानदार उसी को तो कहेंगे जो बहुत बड़ी है चीज़। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे इसी तरह से आप वर्ड रूट से जब अपनी वोकैबुलरी लर्न करोगे बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसानी से आप बहुत सारे वर्ड्स एक वर्ड रूट से लर्न कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।